दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। दोस्तों, ये जो जॉब्स की अपडेट है रहने वाली है जल शक्ति विभाग में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास जल शक्ति विभाग का डिवीजन है, वो डिवीजन रहेगा कोठीपुरा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पैरा पंप ऑपरेटर के 20 पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए दोस्तों आप 10वीं पास होने चाहिए। आपकी जो ITI है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 साल रखी गई है और सैलरी यहाँ पे आपको 5500 रुपये पर मंथ मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद अगला पद जो भर जाएगा यहाँ पे वो पैरा फिटर का है। 6 पद भरे जाएंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है, फिटर और प्लम्बर ट्रेड में होनी चाहिए। बात करें एज और सैलरी की तो यहाँ पे दोनों सेम रहने वाली है। दोस्तों, अब हम लास्ट पद भरा जाएगा वो भर जाएगा मल्टी टास्क वर्कर का। यहाँ पे 39 पद भरे जाएंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 8वीं पास होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 45 साल रहेगी और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 3900 रुपये पर मंथ मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए हैं, बोनोफाइड सर्टिफिकेट हो गया आपका, ITI का सर्टिफिकेट हो गया, BPL सर्टिफिकेट हो गया आपका, 8वीं 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ हो गया और एक्सपीरियंस उसमें दोस्तों वही मान्य होगा जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस मान्य होगा। दोस्तों, अगले बात करें हम मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, बोनोफाइड हो गया, एज प्रूफ हो गया, आपका 8वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है और दोस्तों एक्सपीरियंस हो गया। दोस्तों, बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो यहाँ पे क्या है, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर वालों के लिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो उसकी बात करते हैं। साथ में बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो नंबर रखे गए हैं पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए 5-5 नंबर रखे गए हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए यहाँ पे 6 नंबर रखे गए हैं। यानी किसी के अगर मान लो 50% मार्क्स हैं तो उसको यहाँ पे 2.5 नंबर लगेंगे। BPL का दोस्तों यहाँ पे 1-1 नंबर रखा गया है पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए BPL का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। एक्सपीरियंस के दोस्तों तीनों के लिए 2-2 नंबर रखे गए हैं और स्किल टेस्ट के भी यहाँ पे 2-2 नंबर रखेंगे। दोस्तों, टोटल जो इसकी मेरिट बनेगी 10 नंबर के बेस पर बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो दोस्तों, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, इनके जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मेरे को मिलता है। दोस्तों, बात करें अब इसके लिए हमें आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, आप एप्लीकेशन फॉर्म नीचे देख रहे हैं, इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां से इसको डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है, जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको साथ में लगाने हैं और आपको ये जमा करवाना होगा टू द एग्जीक्यूटिव इंडिया जल शक्ति डिवीजन कोठीपुरा। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी 10/9/2022। 10/9/2022 से पहले पहले आपको ये फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले डिवीजन की। दोस्तों, जो हमारे पास अगला जल शक्ति विभाग का डिवीजन रहेगा वो रहेगा जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कसुम्पटी शिमला। इसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर के 10 पद, पैरा फिटर के 18 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 13 पदों में तो आवेदन मांगे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए सेम रहने वाली है, क्योंकि मैंने भी पीछे आपको मेंशन कर दिए, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो कसुम्पटी डिवीजन है इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको लगाने होंगे और इसको आपको जमा करवाना होगा टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कसुम्पटी शिमला। पिन कोड रहेगा 17-10-09 और इसको आप बाई पोस्ट भी जमा करवा सकते हो और बाई हैंड भी इसको जमा करवा सकते हो और इसके लिए लास्ट डेट रहे दोस्तों रहेगी 1/9/2022। 1/9/2022 से पहले पहले आपका फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जॉब्स की अपडेट के लिए बने रहिए हिमाचल फॉरएवर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे आगे शेयर करें और साथ में ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल दूसरे चैनल का लिंक दिया है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, फेसबुक पेज का लिंक दिया, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले जॉब्स की अपडेट का पता लग सके। तो मिलते हैं इस तरह की अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।